हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपका 10 नंबर का टेस्ट है जो आपको करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। तो इसमें से जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कौन सा जो है मिक्सचर फॉर्म करेगा। ऑप्शन ए है क्रशिंग ऑफ अ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल, तो बेटा ये तो नहीं फॉर्म करेगा। बी देखिए, ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इंटू स्मॉल पीसेस, जो आइस क्यूब है उसको स्मॉल पीसेज में तोड़ देना। एडिंग वाटर इन वाटर एंड एडिंग मिल्क इन वाटर, तो यहाँ पे जो मिक्सचर फॉर्म करेगा वो क्या है, एडिंग मिल्क इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हम मिल्क डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो डी ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू इट। तो जो है इनमें से कौन सा जो है, जो लाइट उसके ऊपर डाली जाती है तो पाथ पूरा विजिबल हो जाता है, मिक्सचर में, कंपाउंड में, सॉल्यूशन में या कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कोलोइडल सॉल्यूशन में। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इतना इनफ होता है कि वो जो लाइट डाली जाती है उसके पाथ को पूरा, उसको क्या करते हैं, विजिबल बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए होमोजीनियस सब्सटेंस। तो होमोजीनियस सब्सटेंस का एग्जांपल आपको देना है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट है, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी जो है वो बटर मिल्क है एंड ऑप्शन डी इज मडी वाटर। ठीक है, तो होमोजीनस सब्सटेंस जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर बी जो है आपका राइट रहेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक होमोजीनस सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट गलत है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ए दिया गया है सस्पेंशन आर होमोजीनस मिक्सचर, तो बच्चों सस्पेंशन जो है होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता है, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनस मिक्सचर, कोलॉइड्स हेट्रोजीनस हैं, ठीक है, कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट, ये भी ठीक है, कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। डी है कोलाइड्स हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइड्स जो है वो उनमें क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम वो शो करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत आंसर क्या है, गलत स्टेटमेंट जो है इसमें ए है, सस्पेंशन आर होमोजीनस, तो ए जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो आप क्वेश्चन 4 जो है ये कर चुके होंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। तो कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स की, बेल्स और स्ट्रिंग्स जो बनती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उनको बनाने में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो देखिए, एक तो सोनरस प्रॉपर्टी होती है जिसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, मैलिएबिलिटी जिसमें शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी जिसमें वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड कंडक्टिविटी जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, अपने आप में से गुजरने देती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ए प्रॉपर्टी, दैट इज़ सोनोरस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन। तो कौन सा जो है इसमें जब हम वाटर के साथ उसको शेक करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, कॉमन सॉल्ट, शुगर, सैंड, डी ऑप्शन ग्लूकोज। तो देखिए, कॉमन सॉल्ट भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, शुगर भी, ग्लूकोज भी, सैंड जो है वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ये सस्पेंशन बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मेटल। मेटल्स के बारे में जो करेक्ट है वो बताना है। मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है कि वो बैड कंडक्टर है हीट के। बी मेटल आर ब्रिटल इन नेचर, सी दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, डी दे यूजली एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। सो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स, यही करेक्ट है, बाकी मेटल्स के बारे में यहाँ जो भी दिया गया है वो इनकरेक्ट है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लड एंड सी वाटर आर, तो ब्लड और सी वाटर ये क्या है, दोनों मिक्सचर हैं, बोथ मिक्सचर, बोथ कंपाउंड्स, ब्लड इज अ मिक्सचर वेयर एज सी वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, जबकि ऑप्शन डी दिया गया है, ब्लड इज़ अ कंपाउंड एंड सी वाटर इज मिक्सचर, तो यहाँ पे ब्लड और सी वाटर क्या हैं, दोनों ही मिक्सचर हैं, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको एसर्शन और रीजन दिए गए हैं।
फॉर क्वेश्चन 9 and 10 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी एज गिवन बिलो. तो देखिए इसमें अगर आपका असर्शन और जो रीजन दिया गया है वो ट्रू है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा. बी कब होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो बी हो जाएगा. सी दिया गया है ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है. डी दिया गया है अगर ए फॉल्स है बट आर ट्रू है. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज हेट्रोजीनस. तो देखो टेबल सॉल्ट को जब एक ग्लास ऑफ वाटर जो है उसमें मिलाया जाता है तो क्या वो हेट्रोजीनस होता है, तो नहीं हेट्रोजीनस तो नहीं होता, वो एक होमोजीनस मिक्सचर बनेगा. इसका रीज़न क्या दिया गया है, ए सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस. तो सेम कंपोजिशन होती है वो होमोजीनस होता है, ये ठीक है. तो यहाँ पे ए तो हमारा गलत है और आर हमारा ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम इन चारों में से कौन सा क्या है. ए हमारा फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा. तो डी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. एसर्सन जो दिया गया है ट्रू सॉल्यूशन डोंट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट कॉज नहीं करते. रीज़न है पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, तो ऐसा तो नहीं है पार्टिकल साइज में लार्ज नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया. अब देखते हैं ए जिसमें ठीक है और आर गलत है, तो सी राइट ऑप्शन है, तो सी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्लियर. तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट. आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. टेक केयर.